नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, समावेशी शिक्षा के समाधान और समावेशी शिक्षा के आधार। पिछले वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं पढ़ी थी, समावेशी शिक्षा के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए और विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको शिक्षा में क्या क्या बाधाएं आती हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस बार जो हम देख रहे हैं वो है समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। समावेशी शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है शिक्षार्थियों की विविधता। आप जानते हो हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की रुचि अलग है, हर बच्चे की अभिवृत्ति अलग है, हर बच्चे की सोच अलग है, हर बच्चे की चिंतन क्षमता अलग है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग है। तो हर बच्चे की रुचि में विभिन्नता होती है, उसके कार्यों में विभिन्नता होती है, उसकी सोच में विभिन्नता होती है, उसकी बुद्धि में भिन्नता होती है, शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, मानसिक रूप से भिन्न होते हैं, संवेगात्मक रूप से भिन्न होते हैं। तो अलग अलग तरह के बच्चे पाए जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा में इस बात को ध्यान रखना होता है कि छात्र क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी विविधता को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षक को कक्षा में पढ़ाना होता है। तो समावेशी शिक्षा को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है बच्चों वो है शिक्षार्थियों की विविधता। फिर है शिक्षकों की आवश्यक तैयारी। आप सब जानते हैं कि छात्र विभिन्न प्रकार के हैं, तो जो शिक्षक अधिगम करवा रहा है उसको एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसे विशेष तकनीकी प्रविधियों की आवश्यकता है। जब वो परंपरागत रूप से पढ़ा रहा होता है तो हर बच्चा जिसको सीखने में कठिनाई हो रही थी वो बच्चा अच्छा सीख नहीं पाएगा, तो उसे नवीन तकनीकें अपनानी पड़ेगी, मॉडल का यूज करना पड़ेगा, चित्र दिखाने पड़ेंगे, प्रोजेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, इसके अलावा टीवी की सहायता से कहानियां सुना करके बच्चे को अधिगम करवा सकता है, इसके अलावा पारदर्शक चीजों के माध्यम से अध्ययन करवा सकता है, बच्चे को खेल खेल में सिखा सकता है, समूह परिचर्चा के द्वारा सिखा सकता है। तो किसी भी तरह से बच्चे को सिखाने के लिए शिक्षकों की अगर आवश्यक तैयारी है तो वो समावेशी शिक्षा करवा सकता है, और अगर शिक्षक इस कार्य में निपुण नहीं है तो वो समावेशी शिक्षा नहीं करवा सकता है बच्चों, ठीक है। तो शिक्षकों की आवश्यक तैयारी भी समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती है। फिर आता है बच्चों भौतिक सुविधाएं। मैंने बताया था आपको कि अगर क्लास का वास्तु अच्छा नहीं है, इमारत निर्माण अच्छा नहीं है, इसके अलावा मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं है, उपयुक्त सेवाएं उपलब्ध नहीं है, खेल का मैदान उपयुक्त स्थान पर नहीं है, खुला वातावरण नहीं है, वातावरण साफ सुथरा नहीं है, स्कूल साफ सुथरा नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है किसको प्रभावित करती है, समावेशन को प्रभावित करती है। आप जानते हो कि अगर स्कूल का वास्तु अच्छा नहीं है, सीढ़ियां ऊंची बनी हुई है, बच्चे को चढ़ने में कठिनाई हो रही है, जो बच्चा चल नहीं पा रहा है उसके लिए स्लैब की व्यवस्था है, तो बच्चा आसानी से व्हील चेयर से चढ़ करके ऊपर कमरे में आ जाएगा। लेकिन अगर वास्तु अच्छा नहीं है तो वो आपकी समावेशी शिक्षा को प्रभावित करता है। माना कि स्कूल घर से स्कूल आने के लिए परिवहन की सुविधा नहीं है तो भी बच्चा क्या होगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो भौतिक सुविधाओं का समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। अगर दृष्टिबाधित बच्चे को चश्मे उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे, उनको चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, स्वर्ण बाधित जो बच्चे हैं उनको स्वर यंत्र उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे, शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक है अगर उनको कृत्रिम पैर नहीं लगवाया जाएगा, अंग प्रत्यारोपण नहीं करवा पाएगा, तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, समावेशी शिक्षा का क्या नहीं बन पाएगा, हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो विद्यालय की भौतिक सुविधाएं भी समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती है।
फिर आता है बच्चों संसाधनों की उपलब्धि। मैंने अभी आपको बताया भौतिक सुविधाओं में, अगर विकलांग बच्चे को प्रॉपर बाथरूम की व्यवस्था नहीं मिलती, स्टैंडिंग टॉयलेट्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, खेल के मैदान उनके लिए नहीं है, मनोरंजन की सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं है, उन विद्यालय तक पहुँचने के लिए उनको कोई आकर्षण नहीं लग रहा, क्योंकि छोटा बच्चा स्कूल में आता है आकर्षण के कारण, अगर बच्चे को वहाँ पर खेलकूद के लिए विभिन्न चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, मनोरंजन के साधन अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते तो बच्चा स्कूल तक नहीं आ पाता है। तो संसाधनों की उपलब्धि होना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं टीवी, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, खेलकूद के सामान में बैडमिंटन का सामान, क्रिकेट का सामान, टेनिस का सामान, खेलकूद के सारे सामान हैं। इसके अलावा आप देखते हैं लैब होती है, जो लैब होती है लैब में भी सारे साधन अवेलेबल होने चाहिए, तभी बच्चे की अधिगम प्रक्रिया अच्छी होती है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अच्छी होती है। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बाधा उपलब्ध नहीं हो तो इसके लिए किसकी उपलब्धि होना जरूरी है बच्चों? संसाधनों की उपलब्धता जरूरी है। उसके बाद आती है मूल्यांकन व्यवस्था। आप सब जानते हैं अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो बच्चा स्कूल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का सहपाठी मजाक उड़ाते हैं। फेल होने के बाद में बच्चे में हीन भावना आ जाती है, नकारात्मक भावना आ जाती है। तो अगर समावेशी इन पिछड़े बालकों की अगर हम विशेष शिक्षा इनको अवेलेबल करवाते, विशेष तकनीकों के द्वारा इनको पढ़ाते, अधिगम की जो कठिनाई आ रही है उसको सुनते, तो शायद ये फेल होने वाली बात नहीं होती। तो फेल होने के पीछे बच्चे का ही योगदान नहीं होता, उसके माता पिता और टीचर्स की शिक्षण विधि, शिक्षा तंत्र, सभी इसके लिए क्या होते हैं बच्चों? जिम्मेदार होते हैं। और मूल्यांकन व्यवस्था में परीक्षा के केवल अंक देखे जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हो सकता है कि बच्चा गणित में अच्छा नहीं कर पा रहा हो, लेकिन बच्चा अगर गणित में अच्छा नहीं कर पा रहा तो इतर जो प्रवृत्तियां उसमें अच्छा कर सकता है। कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा टेनिस में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा बॉलीवुड में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा संगीत सुनने में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा एक्टिंग अच्छी कर सकता है, कोई बच्चा साइंस के उपकरण अच्छे से बना लेता है, साइंस के प्रोजेक्ट बना लेता है, कई बच्चा हाथ के बने हुए चीजें अच्छी कर लेता है। तो हर बच्चे की अपनी एक क्वालिटी होती है, लेकिन हमारी मूल्यांकन व्यवस्था अगर इस बात को नहीं बता पा रही है कि बच्चे में क्या क्वालिटी है, तो वो समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती है। परीक्षा अंकों के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन नहीं करके अगर हमारी रचनात्मक और योगात्मक, हमने बताया था आपको सीसी जो आया, क्या आया बच्चों? सीसी। सीसी में क्या कहा गया था? सतत समग्र मूल्यांकन जो कि 2009 में आया बच्चों। इस सतत समग्र मूल्यांकन में ग्रेडिंग पद्धति हमारे विद्यालय में प्रारंभ की गई और आज भी जो छोटे बच्चे हैं उनके ग्रेडिंग सिस्टम आज भी विद्यमान है। उसमें सीसी में कहा गया कि मूल्यांकन व्यवस्था में रचनात्मक और योगात्मक, ये दोनों तरह के मूल्यांकन बच्चे के होने चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है कि समय समय पर बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि बच्चा कौन कौन से क्रियाकलापों को बहुत अच्छे से कर पा रहा है। और योगात्मक मूल्यांकन आप जानती हैं, परीक्षा, बार बार में बच्चों की परीक्षा ली जाती है और रचनात्मक परिवर्तन कभी भी हो जाते हैं। और इसी योजना को हमने नाम दिया सीसी, सतत समग्र मूल्यांकन, जो कि भारत में 2009 से प्रारंभ किया गया। उसमें ये देखा गया कि बच्चे में क्या क्या क्वालिटी होती है, बच्चे को किन किन साधनों के द्वारा बहुत अच्छे से अधिगम करवाया जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया। कौन सी शिक्षा पर? बाल केंद्रित शिक्षा पर। हमारे भारत में प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी वो थी अध्यापक केंद्रित, लेकिन अब जो शिक्षक है वो एक सहयोगकर्ता की भूमिका निभाएगा, एक सहयोगी की भूमिका निभाएगा। वो केवल क्या करेगा? एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा, बालक को समस्या देगा और बालक को समस्या का समाधान करने के तरीके बताएगा, लेकिन उसको समाधान करने के लिए छोड़ देगा। तो आज हमारी शिक्षा जो है वो छात्र केंद्रित है, बाल केंद्रित है। और इसी बाल केंद्रित शिक्षा को साकार बनाने के लिए भारत सरकार ने जिस शिक्षा योजना को अपनाया बच्चों, उसी का नाम है समावेशी शिक्षा। एक ही प्रकार की
एक ही विद्यालय और एक ही प्रकार के शिक्षकों द्वारा अध्यापन किया जाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों, तो आपने देखे कि समावेशी शिक्षा को कौन कौन प्रभावित करता है, शिक्षार्थियों की विविधता, शिक्षकों की आवश्यक तैयारी, भौतिक सुविधाएं, संसाधनों की उपलब्धि, मूल्यांकन व्यवस्था, ये सब प्रभावित करते हैं। हमने पिछले वीडियो में समावेशी शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं बताई थी, लेकिन हम कुछ उपाय करके उसका समाधान भी कर सकते हैं, जैसे सामाजिक सहायता। आप सब जानते हो आज भी हमारे समाज का रवैया विकलांग बच्चों के प्रति नकारात्मक है, उनको लगता है कि विकलांग बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम माता पिता का सहयोग लेकर के, अभिभावकों का सहयोग लेकर के, समाज के लोगों का सहयोग लेकर के, उन बच्चों के लिए अगर हम कार्यक्रम आयोजित करें, चिकित्सकीय परामर्श ले, मेडिकल सुविधाएं प्रदान करें, विद्यालय तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें, माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजे, या शिक्षक उन माता पिता को तैयार करें, या सामाजिक इस प्रकार के स्कूल्स में ऐसी क्रिएटिविटी कार्यक्रम आयोजित करवाए जाए ताकि क्या हो सके, समाज के लोगों को जागरूक किया जा सके और सामाजिक सहायता प्राप्त की जा सके और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सके, क्योंकि जब तक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा नहीं होगा, शिक्षकों में उन बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं होगा, समाज का जब तक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा बच्चों, तब तक समावेशी शिक्षा का सपना साकार नहीं हो सकता। उसके बाद आता है वही दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मैंने आपको बताया ही था कि विकलांग, शारीरिक क्षीण, दृष्टिहीन, स्वर्ण बाधित, मंद बुद्धि, सेरेब्रम पॉल्सी से पीड़ित व्यक्ति, ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति का दृष्टिकोण नकारात्मक होता है, वो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, वो समाज विरोधी हो जाते हैं, तो समाज उनको उनके माहौल में डलने के लिए वातावरण नहीं देता है, तो उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन करके कि वो सामान्य बालकों के साथ एक साथ शिक्षा अध्ययन कर सकता है, अपने जीवन कौशल को विकसित कर सकता है, अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण सभी बच्चों में बिठा दिया जाए कि उन्हें समानता का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो अगर उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन होगा तो समावेशी शिक्षा का सपना साकार हो सकता है। सूचना व स्रोत, आपको पता है कहाँ पर विद्यालय है, कौन से विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, सरकार द्वारा विकलांगों के लिए किन किन सुविधाएं बनाई गई है, कौन कौन सी छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है, इन सब के बारे में अगर सूचना उपलब्ध है तो समावेशी शिक्षा का सपना साकार हो सकता है। फिर आता है बच्चों लचीला पाठ्यक्रम। आप सबको मैंने बताया कि अगर क्लास में बच्चा फोर्थ क्लास में है और अगर वो थर्ड क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो पिछड़ा बालक है, तो पिछड़े बालकों के लिए अगर पाठ्यक्रम में लचीला कर दिया जाए, विविधता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाया जाए, तो समावेशी शिक्षा दी जा सकती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था बेटा NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क। इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में कहा बोझ रहित शिक्षा दो। कौन सी शिक्षा दो बच्चों को? बोझ रहित शिक्षा दो। अगर बच्चे को बोझ रहित शिक्षा दी जा रही है, उनको किताबी ज्ञान से मुक्त, केवल उनको क्या नहीं दिया जाए, पुस्तकीय ज्ञान उनको उपलब्ध नहीं दिया जाए, जो भी बच्चे में क्रिएटिविटी की रही है उसको वास्तविक ज्ञान से जोड़ा जाए, जीवन के अनुभवों से बच्चे को जोड़ करके पाठ्यक्रम को बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो समाज में सामंजस्य स्थापित कर सके, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए ताकि समय सारणी के अनुसार उसमें लचीलेपन का गुण होना चाहिए। अगर ये सब गुण होता है तो हम समावेशी शिक्षा के जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं। अब है कक्षा संगठन में बनना। आप जानते हो बच्चों,
अगर कोई बच्चा दृष्टि बाधित है तो उसको आगे की रूम में बिठाएंगे, अगर कोई बच्चा बार बार में बातें कर रहा है तो उसको अलग से बिठाएंगे, अगर कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है उसको भी आगे की रोज में बिठाएंगे। कक्षा संगठन में हमेशा क्या करते रहेंगे, बदलाव करते रहेंगे। इसके अलावा कक्षा के आकार को सीमित रखेंगे ताकि हर बच्चे पर शिक्षक का ध्यान बना रहे। तो कक्षा संगठन में अगर बार बार में बदलाव किए जाएंगे तो हम समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर सकते हैं। उसका बात आता है शिक्षण अभ्यास में परिवर्तन। आप जानते हो कि कई बच्चे को एक बार अभ्यास करने के बाद में ही लर्न हो जाता है, लेकिन कई बच्चे जो मंद बुद्धि बालक है उन्हें अभ्यास की बार बार पुनरावृत्ति करवाई जाती है। तो इसके लिए हम मॉडल का सहारा ले सकते हैं, चित्र का सहारा ले सकते हैं, उन्हें किसी जगह को दिखा करके उसका ज्ञान करवा सकते हैं, अलग अलग शिक्षण टेक्निक के माध्यम से उनको समझाएंगे, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करवाएंगे ताकि वो अभ्यास क्या हो, उनको जीवन पर्यंत हो जाए। मतलब अगर बच्चा जिस अभ्यास विधि से हम पढ़ा रहे हैं बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो हमें शिक्षण अभ्यास में क्या करना पड़ेगा बच्चों, परिवर्तन करना पड़ेगा। रचनात्मक नीतियां, आप जानते हो आज अभिनय, बच्चों से अभिनय करवाया जाता है क्लास में, सांस्कृतिक क्रियाविधि करवाई जाती है, बच्चे को भाषण देने के लिए बोला जाता है, बच्चे को डांस करने के लिए बोला जाता है, बच्चे को एक टॉपिक दे दिया जाता है उस पर वाद विवाद करने के लिए कहा जाता है। अगर कोई बच्चा वाद विवाद करता है सभी क्लास के बच्चों के सामने तो उसका वो टॉपिक अपने आप क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चों से डेली जब प्रेयर होती है उस टाइम बच्चों से अखबार या पेपर पढ़वाया जाता है ताकि हर बच्चा सामाजिक एक्टिविटी के साथ अटैच हो सके। तो यहाँ पर क्या है, कई ऐसी रचनात्मक चीजें बच्चों से करवाई जाती है, जैसे हर सैटरडे को बाल सभाओं का आयोजन करवाया जाता है, उनसे वाद विवाद करवाया जाता है, कहानियां सुनाई जाती है, उपन्यास के बारे में बताया जाता है, उनको कई ऐसी क्रियाविधि करवाई जाती है ताकि बच्चे में रचनात्मक विकास हो सके। बच्चा अपने जीवन के अनुभवों को अपने पाठ्यक्रम और अपने स्कूली शिक्षा या विद्यालय संस्कृति के साथ जोड़ सके। फिर आता है उचित सूचनाएं, ज्ञान और कौशल का प्रावधान। अगर बच्चे को उचित ज्ञान दिया जाएगा, बच्चों को सामंजस्य, सहयोग की भावना, सामाजिक गुणों का विकास किया जाएगा तो बच्चा समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर सकता है। फिर है माता पिता का सहयोग। आपको पता है समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र ही है कि माता पिता के सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि घर से विद्यालय में भेजना माता पिता का दायित्व है। बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटी, अगर मान लो कोई सेरेब्रम पॉल्सी से पीड़ित है, दृष्टि बाधित है, तो उनकी केस प्रोफाइल माता पिता को अध्यापकों को बतानी चाहिए कि वो कौन कौन से दैनिक क्रियाकलाप ऐसे करता है, अन्य बालकों से वह किन किन रूपों में भिन्न है, उनकी विविधता को ध्यान में रखते हुए ही उनको शिक्षण अधिगम करवाया जाएगा। तो यहाँ समझ में आया माता पिता के सहयोग की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो समावेशन के समाधान के लिए सामाजिक सहायता, दृष्टिकोण, सूचना व स्रोत, पाठ्यक्रम लचीला हो, कक्षा संगठन में बदलाव होकर कक्षा के आकार को सीमित रखा जाए, शिक्षण अभ्यास में परिवर्तन करना होगा, रचनात्मक रणनीतियां, रोल प्ले, मानसिक उद्वेलन, वाद विवाद, प्रायोजना विधि, इन विधियों के माध्यम से टीचर को क्या करना पड़ेगा बच्चों, पढ़ाना होगा। उचित सूचनाएं, ज्ञान एवं कौशल का प्रावधान, अलग अलग कौशल के द्वारा बच्चे को सिखाया जाएगा और माता पिता के सहयोग के आधार पर हम समावेशी शिक्षा के अंदर जो भी बाधाएं आती है उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अब आती है बच्चों समावेशी शिक्षा के आधार। समावेशी शिक्षा किन किन चीजों को लेकर के सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को शिक्षा प्रदान करती है, समावेशी शिक्षा देने के लिए किन किन बातों को समावेशी शिक्षा ने अपना आधार बना रखा है, अपना बेस बना रखा है। जो आपकी समावेशी शिक्षा है वो मानती है कि शाला एक समुदाय है, विद्यालय एक समाज है, बच्चे को विद्यालय में एक ऐसा वातावरण दिया जाता है ताकि वो कभी भी
समाज के अंदर जाएगा तो वो समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करेगा। आप जानते हो समाज में सहयोग, पराक्रम, कार्यक्रम ये सब आयोजित होते हैं, तो विद्यालय में ही उनको एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाएगा ताकि बच्चा समाज के साथ अनुकूलन कर सके। तो शाला एक समुदाय है, इस बात पर आधारित है। कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखता है। मैंने आपको बताया कि हर बच्चे में क्वालिटी होती है, हर बच्चे को प्रेशर से नहीं सिखा सकते, बस बच्चे को सीखने के लिए आपको वातावरण देना है, उसको सहायता देनी है, शिक्षण विधियों, कहानियों, समस्या देकर के, मानसिक उद्वेलन, समूह चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद, इन सब के माध्यम से उस बच्चे को स्वाभाविक रूप से सिखाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे के द्वारा स्वाभाविक रूप से सीखा हुआ ज्ञान ही स्थायी होता है। सीखने के तौर तरीकों में विविधता। आप जानते हो हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, सीखने के तौर तरीकों में अलग अलग सीखता है। कई बच्चे रुचि में विविधता होती है, कई बच्चों के कौशल में विविधता होती है, कई रचनात्मक क्रियाविधि अलग अलग होती है, कई गणित में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई सामाजिक में अच्छा होता है, कोई हिंदी के बाद विवाद अच्छा कर लेता है। तो हर बच्चे के तौर तरीके, सीखने के तौर तरीकों में विविधता होती है। आप जानते हैं कोई बच्चा है जल्दी सीख जाता है, कई बच्चे हैं देरी से सीखते हैं, कई बच्चे का ध्यान नहीं होता है, कई बच्चों की विकासात्मक प्रक्रिया, बौद्धिक क्षमता कमजोर होती है। तो सीखने के तौर तरीकों में विविधता होती है। सीखने और सिखाने के लिए तैयार करना। देखो बच्चों, अगर किसी बच्चे को सिखाना है तो उसके लिए, सिखाने के लिए उसको एक वातावरण देना होगा। आप सबको पता है एक विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक है, अगर उसको आगे की रूम में नहीं दिखाया गया तो उसको उचित वातावरण ही नहीं मिलेगा, वो देख नहीं पाएगा तो अधिगम कैसे करेगा, सीखेगा कैसे चीजों को। तो सीखने और सिखाने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, हमें वातावरण उपलब्ध करवाना पड़ेगा। फिर है सीखी बातों में संबंध स्थापित करना। आपने बच्चे को समस्या दी थी, बच्चा उस समस्या को समझेगा, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा और समकालीन परिस्थितियों के साथ उसमें सामंजस्य स्थापित करेगा। तो ये सब करने के बाद में बच्चा क्या कर पाएगा, समस्या का समाधान कर पाएगा। सकारात्मक वातावरण निर्मित करना। सामान्य बालक और विशेष बालक को भेदभाव रहित शिक्षा दी जाए, समानता के सिद्धांत का पालन किया जाए, शिक्षकों का नजरिया सभी बालकों के साथ सकारात्मक होना चाहिए, बच्चे को भौतिक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, ये सब चीजें अगर है, वातावरण शुद्ध होना चाहिए, खेल का मैदान अवेलेबल होना चाहिए, हर प्रकार की तकनीकी और भौतिक सुविधाएं अगर बच्चे को उपलब्ध होती है तो हमने बच्चे को सकारात्मक वातावरण उपलब्ध करवा दिया। और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराकर ही हम समावेशी शिक्षा दे सकते हैं। फिर है शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार। आप जानते हैं पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, लेकिन हम जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, आपको पता है कोई बच्चा गणित में अच्छा, बहुत अच्छा कर रहा है तो उसकी गणित की विद्वता को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कई हाथ से चीज़ें बनाना बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है तो उसकी उस गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। तो धीरे 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 बच्चों को जो शिक्षा दी जानी है उसमें क्वालिटी आनी चाहिए। तो शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि इसका मेन मोटिव है, किसका? समावेशी शिक्षा का। क्योंकि आपको पता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया ही इसीलिए जाता है कि उसकी कौन सी गुणवत्ता में सुधार हो, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों, पिछड़े बालकों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको समावेशी शिक्षा देनी पड़ेगी। तो समावेशी शिक्षा के आधार है शाला एक समुदाय है, प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखता है, सीखने के तौर तरीकों में विविधता होनी चाहिए, सीखने और सिखाने के लिए बच्चे को तैयार करना, सीखी बातों में संबंध स्थापित करना, सकारात्मक वातावरण निर्मित करना और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना, ये आपके समावेशी शिक्षा के आधार है। तो आज हमने
समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, समावेशन के समाधान और समावेशी शिक्षा के आधार, इन सब के बारे में अध्ययन किया। तो आपने देखा कि शैक्षिक जो समावेशी शिक्षा के सपने को अगर साकार करना है तो बच्चे को उचित वातावरण देना होगा, समानता के सिद्धांत पर कार्य करने होगा, सामाजिक सहायता प्राप्त करनी होगी, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना होगा, तभी बालक समावेशी शिक्षा प्राप्त करेगा, सामाजिक गुणों को सीखेगा, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएगा। क्योंकि समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही समावेशी शिक्षा का मेन मोटिव है, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से बच्चे का विकास हो, चाहे वो विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक हो, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, चाहे वो आदिवासी जनजाति का बच्चा हो, हर बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, उसकी पूर्ण सहभागिता, पूर्ण समावेशन करना ही समावेशी शिक्षा का मेन मोटिव माना जाता है। तो आज आपने ये सब देखा, आप सबको ये नोट जो मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं इनको कॉपी में नोट डाउन करना है बच्चों, और इन चीजों को और कैसे बढ़ा सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आप चाहते हैं कि मैं नव भारती स्टडी सर्कल में आपको पढ़ाऊं, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें और नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा के बीच में क्या क्या अंतर है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे के वीडियो बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।